हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो वेलकम बैक इंग्लिश के सेशंस में और जैसा कि आपको नजर आ रहा है आज का जो टॉपिक है वो हमारा है ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक बार कंफर्म कर दीजिए इज एवरीथिंग ऑल राइट गुड इवनिंग गुरमीत सो इन टू ऑन सेम्स और बहुत ही मॉडरेट लेवल के हैं पहला सेशन डेफिनेटली हम टॉपिक के ऊपर मॉडरेट ही रखते हैं इजी टू मॉडरेट जहां पे आपके क्वेश्चंस सही हो ज्यादा से ज्यादा राइट right? तो आइए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन आपके सामने है टू बी कॉट शॉर्ट मीन्स वॉट क्या मतलब होगा इसका इफ यू आर टू बी कॉट शॉर्ट टू बी इन एन एम्बेसिंग सिचुएशन टू टेक अ शॉर्ट नैप नॉट टू हैव एनफ समिंग वन नीडेड एंड टू डिसअपियर स्लोली गुड इवनिंग गुड इवनिंग सौरव सौरव कह रहे सर ये आप पेड क्लास में नहीं करवाए तो सौरव सेम ही रहेगा पेड क्लास में और यूट्यूब पे अरे अलग भी हो सकता है भाई कंटेंट अपडेट होता रहता है पेड क्लासेस में भी कुछ अलग हो सकता है गुड इवनिंग कंटेंट तो अपडेट होते रहते हैं ना और कोई अंत तो है नहीं इम की संख्या हजारों में है तो जितने क्वेश्चन आप करो पेड क्लासेस में भी करो यूट्यूब में भी करो उतना बेनिफिशियल होगा ठीक है so एक टेस्ट के तौर पे लेना है और फटाफट आंसर करना है गुड इवनिंग नंदन सपना हां जी टू बी कॉट शॉर्ट का क्या मतलब हो सकता है जैसे कई बार हम कहते हैं कि यू नो आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स जिसको हिंदी में लोग कहते हैं यार शब्द नहीं मिल रहे भावनाएं तो बहुत हैं सही शब्द नहीं मिल रहा तो नॉट टू हैव समथिंग वेन नीडेड कॉमन सेंस वाला है भाई सिर कॉट शॉर्ट मीन्स वॉट जिस चीज की जरूरत है वो आपके पास पर्याप्त नहीं है नॉट टू हैव एन एफ ऑफ समथिंग वेन नीडेड गॉट एट बात समझ आ गई टू कॉट शॉर्ट आप एक काम ये जरूर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी वंस हैं आप क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में इनका इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो आप चले अगले पे बढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीप स्केट व्हाट चीप स्केट किसको कहते हैं अ विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हु डज नॉट स्पेंड मच मनी समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेंसिव आर फेट्स अवे यस हु कॉल्ड चीप स्केट अप्लाई योर कॉमन सेंस किसको बोलेंगे गुड इवनिंग संदीप वेरी गुड सपना सो दैट सेकेंड वन बी इज द करेक्ट ऑप्शन देखो इडियम्स की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि दे डू नॉट सेंस ऐसा नहीं कि जिन शब्दों का मतलब है वही एग्जैक्ट इडियम uh, का मतलब होगा uh, और गुड इवनिंग चिन्मय सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर इज समन हुज नॉट स्पेंड मच मनी तो ये ऐसा नहीं कि आप स्केटिंग के साथ रिलेट करोगे कि नहीं ये विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ऐसा कुछ इज द करेक्ट ऑप्शन सम्पेंड मच मनी क्या बोलते हैं उसको क्या बोल सकते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द आपको ध्यान में आ रहे हैं जो लोग पैसा ज्यादा खर्च न करें उनको क्या बोल सकते हैं कंजूस तो आप हिंदी में बोलते हो बट इंग्लिश में वी हैव मल्टीपल वर्ड फ्रूगल है लेकिन फ्रूगल क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है फ्रूगल माइजरली पार्सिमोनियस कैंटी लॉट ऑफ वर्ड वी है जहां पे आप कम खर्चे की बात करते हैं कंजूसी दिखाते हैं बट कंजूसी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है कैसे नेगेटिव कब होगी जब जहां पे आपको खर्च करना और आप अगर खर्च नहीं कर रहे हो तो वहां कंजूसी नेगेटिव हो गई बट इफ यू आर स्पेंडिंग जुडिसियसली आप समझदारी पूर्वक खर्च कर रहे हैं तो वहां पर वो कंजूसी पॉजिटिव मानी जाती है कि आप जो है बेहिसाब खर्च या फिजूल खर्ची नहीं कर रहे लाइक फ्रूगल वर्ड जो इस्तेमाल होता है इसका नेगेटिव टेंज नहीं है जैसे हम फ्रूगल इनोवेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं जो टिपिकल नॉर्थ इंडियन वर्ड जुगाड़ है एंड नाउ द जुगाड़ इज द पार्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अक्रॉस द वर्ल्ड लॉट्स ऑफ बेस्ट सेलर्स हैव दिस वर्ड एक्चुअली जुगाड़ जुगाड़ सो इज एज लाइक है इनोवेशन इंडियंस आर वेटी गुड इन फ्रूगल इनोवेश बड़ी बड़ी समस्याओं का सस्ता और टिकाऊ समाधान ढूंढने में हमें अच्छा माना जाता है सो दिस इज द फ्रूगल फ्रूगालिटी और जो बेहिसाब खर्च करे उसे क्या बोलते हैं बहुत सारे शब्द हैं एक बड़ा प्यारा शब्द है आपके पास प्रोडिगल याद रखिए प्रोडिजी से कंफ्यूज मत करिएगा प्रोडिजी अलग होता है सम अ चाइल्ड विद एक्सेप्शनल टैलेंट दैट इज कॉल्ड प्रोडिजी बट इफ इज प्रोडिगल मीन्स वॉट द पर्सन डज नॉट स्पेंड जुडिशियसली जो बेहिसाब खर्च करे खैर आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इडियम्स कर रहे हैं हम टू चेकअप मीन्स टू सर्च टू इन्वेस्टिगेट टू मेक अ मार्क टू शो समथिंग हैज बीन काउंटेड एंड टू बी प्रिसाइज if you are checking up something what that could be so if you are checking up as simple as that that is to investigate चीज की जांच करना पड़ताल करना एक फ्रेजल वर्ब भी हमारे पास आता है जांच पड़ताल के लिए उसको हम कहते हैं लुक इनटू लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट एंड वी हैव लॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स लाइक यू हैव लुक फॉर उउंड लुकअप टू लुक डाउन अपॉन राइट सो बहुत सारे चेकअप मतलब का भी मतलब इन्वेस्टिगेट होता है और इसलिए इट्स पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू पीपल वेन एवर यू आर लर्निंग एरियम फ्रेजेज फ्रेजल वर्व फॉर दैट मैटर इट्स ऑल अबाउट वन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आर फ्रेजल वर्व मे हैल्टीपल यूसेज ये लिमिटेड नहीं होते एक मतलब के लिए बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं और एक फ्रेजल वर्ब के एक से ज्यादा मतलब भी हो सकते हैं really तो हमेशा बनाने का काम जरूर करिए राइट कल जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वहां पे क्वेश्चन मैं अलग तरीके से आपको दूंगा यहां पे तो क्योंकि बेसिक वंस हैं हम मीनिंग की यहां पे बात कर ले रहे हैं चीयर अप का क्या मतलब होता है ये सब तो दो दो सेकंड के क्वेश्चन है चीयर अप इज टू बिकम हैप्पी हैप्पी के लिए कुछ और शब्द बता सकते हो सिनोनिमस खुशी के लिए एम आई आर टी एच मर्थ चिकन फीड का क्या मतलब होता है अ लॉट ऑफ फूड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदरिंग टूगेदर एंड टू बिकम लॉस्ट वॉट इज चिकन फीड चिकन का खाना क्या हो सकता है कमी होगा थोड़ा ही होगा सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज कॉल्ड चिकन फीड राइट उसके उस रेफरेंस के लिए आप चिकन फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं पैल्ट्री सम ऑफ मनी वॉट वी कॉल पैल्ट्री सम बहुत कम मात्रा जब किसी चीज की हो वेरी गुड आओ पच्चीस क्वेश्चन है आई डेयर से मीन्स वॉट आई डोंट नो एट ऑल आई डेफिनेटली नो आई सपोज एंड आई बिकम हैप्पी सॉरी टू बिकम हैप्पी वट डू यू से आई डेयर से क्या सेंस होगा इसका इफ यू आई डेयर से इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब हो गया आई सपोज आई सपोज उस कॉन्टेक्सट में आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं टू डैश ऑफ मींस वॉट टू डैश ऑफ I do make or draw something quickly, to be deeply asleep, to be precise, and to become lost. What is the meaning of to dash off? To dash off means I do make or draw something quickly. That is to dash off. कोई काम आप जल्दी से कर रहे हैं जो भी आपको करना है डेड टायर्ड आई थिंक इट्स प्रटी इजी एवरी वन विल गेट इट करेक्ट नो लॉन्गर लिविंग वेरी टायर्ड हैव लॉन्ग टू लिव एंड टू डिसअपियर स्लोली सो इफ यू आर डेड टायर्ड मीन्स वॉट यू आर वेरी टायर्ड राइट यू आर वेरी टायर्ड इट्स इजी द नेक्स्ट सेट जो कि हम फ्राइडे को करेंगे Uh, वहां पे सेंटेंस में यूसेज देखेंगे हम और फिर मीनिंग रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन पूछने का तरीका वहां अलग होगा टू बी इन डीप वॉटर इफ इज इन डीप वॉटर मीन्स वॉट दैट ही इज क्रेजी ही इज इन सीरियस ट्रबल राइट इट डजेंट केयर अबाउट थिंग्स और टू बी इन एन एम्बेरसिंग सिचुएशन टू बी इन डीप वॉटर वॉट इज द मीनिंग If you are in deep waters, means what? You are in serious trouble. You are in serious trouble. Next one if something dies down, it means it falls over, it dies quickly, it fades away, or to search. If something dies down, it means. डाइज डाउन इज फेट अवे इट फेट अवे किसी भी चीज का इम्पैक्ट धीरे 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 जब खत्म होने लगे जैसे हमारे पास एक शब्द आता है uh, that is vain, -E. ये confusing word में हम करते हैं uh, इस वर्ड के साथ वेन सो वेन का मतलब किसी चीज के इम्पैक्ट का धीरे धीरे कम होना फेट डाउन हो जाना एंड दिस वेन इज वॉट इट्स ब्लेड ऑफ अ टर्बाइन अग फैन वैसे ही आपके पास शब्द आता है दिस वन अबेट अगर कोई चीज अबेटेड है यानी धीरे धीरे उसका इंपैक्ट कम हो रहा है वो फेड डाउन हो रही है और दूसरा सेकेंड वन इज अबेट सो अबेट एंड अबेट अबेटमेंट टू सुसाइड यू डू नो तो वो सेकेंड वन का मतलब टू प्रोवोक समवन टू डू समथिंग नेगेटिव और अगर कोई चीज अबेट हो रही अबेटेड कंडीशन में है इसका मतलब वो थोड़ा सा फेड डाउन हो रही है ड्विंडल हो रही है डिटेरियोरेट हो रही है वो सेंस हो गया तो अगर समथिंग डाइज डाउन इसका मतलब वो धीरे धीरे मर रहा है एक और शब्द मरने से आता है कोई चीज अगर मौत के नजदीक पहुंच रही है डेथ के इस्तेमाल होता है वहीं से मॉर्चरी मोर्ग मोर्टल इमोटल बड़े सारे शब्द आते हैं वहीं से आता है मॉरिबन सो मॉरिबन का मतलब भी इफ समथिंग इज क्लोजिंग टू डेथ दैट इज कॉल्ड मॉरिबन गॉट इज इट्स अ गुड वर्ड बड़ा पुराना और फेवरेट वर्ड है पेपर सेटर्स का एग्जामिनर्स का टू डाई आउट मीन्स वॉट टू फेल टू डाई क्विकली टू डिसअपियर स्लोली एंड टू बी इन एम्बेरसिंग सिचुएशन हा मॉर्बिट बिल्कुल मॉर्बिट डिजीज को मॉर्बिडिटी आपने खूब सुना है सो टू डिसअपियर स्लोली टू डाई आउट डाइम अ डजन आई थिंक ये तो सबको पता है बहुत बेसिक बार बार एग्जाम्स में आने वाला यस डाइम डजन मीन्स वॉट इट इज एक्सपेंसिव समथिंग इज अनयूजल समथिंग इज ईजी टू गेट एंड टू सर्च वॉट डू यू से भाई डाइम डजन का मतलब यही कि जब कोई चीज बहुत मात्रा में होती है संख्या में होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो यहाँ पे है समथिंग इज ईजी टू गेट जाहिर तौर पर जब वो चीज़ ज्यादा रहेगी तो आसानी से आपको मिलेगी और जो चीज आसानी से हमें मिलती है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती राइट right? आपको पता है वो इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा होता है तो जब कोई चीज कम होती है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो किसी चीज की वैल्यू का कम हो जाना क्योंकि वो बहुत आसानी से आपको उपलब्ध है इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं तो डिस आउट मीन्स वॉट टू सर्व टू गोसिप टू मेक टू अंडरस्टैंड टू डिस इफ यू आर डिशिंग आउट समथिंग मीन्स वॉट यू आर सर्विंग टू सर्व दैट्स द सेंस To do away with something means what? To treat something, to stop something, to hide something, to annoy. So, if you are to do away with something, means what? To stop something. That's the right option, correct option. If someone is down to earth, he is what? He is strange. He is practical. He is shy, and he is, dies quickly. Yeah, but this option is technically incorrect. So, if someone is down to earth, out of the given choices, what do you think? Which one is correct? मैं इसीलिए बार बार आपको चाहे आप सीरेम इंटेनिम के क्वेश्चन करें या ईडीएम्स के क्वेश्चन करें मैं बार बार ये कहता हूँ कि उसको रटने की कोशिश मत करो बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही मीनिंग आपके एग्जाम में भी आपको मिलेगा आपको आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस यू हैव टू गो विद द बेस्ट वन सो लाइक जब हम कहते हैं ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन तो हमारा सेंस क्या होता है कि बहुत ही सिंपल आदमी है हम्बल आदमी है ईजी टू रिलेट है अप्रोचेबल है राइटर right? ये हमारा सेंस होता है बट अगर आप दिए गए ऑप्शन में देखो स्ट्रेंथ शाही प्रैक्टिकली तो वैसे ही वही है तो आप यहां देखोगे तो प्रैक्टिकल के साथ ही आप जा सकते हो कि भाई जिसके जो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी लेकिन अब प्रैक्टिकल लिटरल सेंस में नहीं है अब प्रैक्टिकल से हमारे पास शब्द होता है यू नो सो प्रैगमैटिक इज लाइक समथिंग प्रैक्टिकल बट यहाँ पे डाउन टू अर्थ का जो मतलब है हम्बल बहुत ही डाउन टू अर्थ है हम्बल आदमी है रिलेटेबल प्रैक्टिकल है वो वाला सेंस तो आउट ऑफ द गिवेन च्वाइस ये करेक्ट है

तो इसीलिए दिए गए चॉइसेस में से हमें चूज करना है लेट्स डू इट केयरफुली इजी डज इट वर्क आराम से करो जैसे बोलते ना किसी को कि भाई आराम से ले जाना ध्यानपूर्वक टू ईट योर वर्ड्स आई थिंक ये आसान है टू ईट योर वर्ड्स means what? टू apologize, टू शाउट लाउडली टू बी क्वाइट एंड टू ट्रीट समथिंग टू ईट योर वर्ड्स Eat your words का वही मतलब है कि पहले अब आपसे गड़बड़ हो गई है कुछ गलत निकल गया है नाउ यू हैव टू अपॉलोजाइज फॉर दैट्स टू योर वर्ड्स इज टू अपॉल अच्छा एक बार ऐसे एक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ग्रामेटिकल प्रोफाइल टेस्ट करने का तो इसमें ग्रामेटिकल प्रोफाइल का क्या फर्क है अपॉलॉजी अपॉलोजाइज Apologetic, what's the difference grammatical profile? Tell me definitely Sherman. You can make it, but the point is you need to do a detailed analysis of your performance, right? Why are you stuck at that level? अगर आपके उसमें से सेवनटीन करेक्ट हो रहे हैं तो थर्टी में से कितने आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो ट्वेंटी मिनट के अंदर ये जरूर देखना है हमेशा परफॉर्मेंस आपकी जो होगी यानी जो आप मॉक पेपर लिखोगे वो उसी टाइम में लिखो जो आपको आपको एग्जाम में मिलने वाला थी और सपोज टू सॉल्व थर्टी क्वेश्चन इन ट्वेंटी मिनट्स एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भाई व्हाट्स द रीजन कि मैं पांच क्वेश्चन नहीं कर पाया मैं आपको बार बार ये हर क्लास में ही बताता हूँ बैच के लास्ट में ही बताता हूँ जिस दिन फेयरवेल क्लास होती है कि हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं है वहां पे इस बात का ध्यान रखना है सबसे पहले स्कैन द पेपर जो भी आपके पास है और उसमें से देखो कौन सा क्वेश्चन आसानी से हो सकता है कम टाइम और इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से तो वो अप्रोच आपको लेके चलना है और जब पूरी पूरा सिलेबस आपने पढ़ा है हर तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं तो आपको ये भी देखना है कि इफ देर आर फाइव क्वेश्चन आई कुडेंट सॉल्व या इवन आफ्टर थर्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्टी सेकेंड्स स्टिल आई डेंट एनी आइडिया कि भाई हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन तो जब एनालिसिस करो तो वो जरूर देखो कि वो किस टॉपिक से है क्या दिक्कत हो गई अब आपने अगर मान लो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे तो गलत क्यों जो हुए हैं वो क्यों गलत हुए जल्दबाजी में हुए आपकी सिली मिस्टेक से हुए ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रादर देन जीरो डाउन कर लेने का कि भाई इससे ऊपर मेरा नहीं हो सकता ठीक है तो अंतर आत्मा की आवाज से नहीं चलना है इसकी गणित समझनी है हाँ जी मैं पूछा था तो बता दूं अपोलॉजी नाउन है त्मा है मेरा ही वर्ड पकड़ के मुझे कमेंट कर रहा हूं अंग्रेजी ज्यादातर लोग अंतर आत्मा की आवाज से चलाते हैं लेकिन वो लॉजिक जरूर देखना है कि भाई क्या है कई बार गलत लॉजिक से भी सवाल सही हो जाता है टू ईट आउट मीन्स वॉट टू रॉट अवे टू ईट इन अ रेस्टोरेंट टू मेक इजीली टू गो फास्टर तो भाई ये तो बहुत कॉमनली आप दोस्तों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं कि आज हम ईटिंग आउट के लिए गए थे तो ईट आउट का मतलब होता है टू ईट इन अ रेस्टोरेंट एट सिंपल एज दैट नेक्स्ट वन टू एज आउट टू मूव स्लोली विद द नैरो साइड टू टू आउटवर्ड्स फोर्स आउट गेट एंग्री क्या मतलब है टू एज आउट का बिल्कुल अस्मित एग्जाम में अंतरात्मा कम साथ देती है चलिए बहुत अच्छे सौरभ अस्मित सपना ने सही जवाब दिया था एज आउट का मतलब होता है जब आप कोई चीज फोर्सिबली करना चाहें तो यहां पे जो हमने ऑप्शन में आप जो देखो आपके पास सी ऑप्शन जो है वो क्लोजेस्ट है टू एज आउट के जब फोर्सिबली जैसे इसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है कि भाई किसी स्पोर्ट किसी खेल के अंदर दे आर टू टीम्स और एक टीम ने दूसरे टीम को एज आउट कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि भाई उसने अच्छा खेला फोर्सिबली बाहर कर दिया कि तुम गेम से बाहर हो आ, किसी को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल रहे हो एज आउट कर दिया उसको किनारे पे लाया फिर बाहर कर दिया धक्का दे करके तो वही है टू फोर्स आउट आप पहले उस इंसान को किनारे पे ले जा रहे हो धीरे 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 राइट ब्रिंक जिसे हम कहते हैं वी आर आई एन के टू एके आउट मीन्स वो आउट टू रश आउट टू डू विथ डिफिकल्टी टू मेक इजीली एंड नो पॉसिबिलिटी यह आपके लिए मुझे लगता है कि नया होगा एके आउट एनी वन कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो एलिमिनेशन से कर पा रहे हो आप जब कोई चीज़ आपको बहुत सारा एफर्ट लगा करके मुश्किल से मिले उसे आप एकआउट के लिए एक कहते हैं मतलब जैसे इस तरह से उसको देख सकते हो आप जैसे कोई इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं परेशानियां हैं और अपने आप के सर्वाइवल के लिए वो बड़ी मेहनत कर रहा है चीज़ें उसे आसानी से नहीं मिल रही हैं जिन जिन चीज़ों की डेफिशिएंसी है उस चीज़ को वो कॉम्पनसेट करना चाह रहा है अपने जीवन में बट इसके लिए उसको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो आउट ऑफ द गिवन मतलब क्या हो गया टू डू विद डिफिकल्टी एंड दैट इज अगेन आपको समझ में आ रहा है ना अब चलो क्वेश्चन फॉर्मेट में है तो हम कर ले रहे हैं लेकिन आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि अगर सिर्फ टू डू विद डिफिकल्टी आपने याद कर लिया टू एक आउट का मतलब तो बात नहीं बनने वाली आप शायद ये भी सोच सकते हो कि, कि किसी काम को बहुत मुश्किल से करने के लिए हम एक आउट का इस्तेमाल करते हैं बट हियर द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट जैसे हमने बात करी कि भाई जिंदगी में अलग अलग तरह की कमियां हैं डिफिशियंसीज हैं सभी की लाइफ में अलग अलग लेवल पे होता है और आप उन कमियों को पूरा करने के लिए जो मेहनत मशक्कत करते हैं कि वो सारी कमियों को डिफिशियंसीज को मैं कॉम्पनसेट कर पाऊं उस मेहनत के लिए उस स्ट्रगल के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो दैट इज वाई कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज इन एनी लैंग्वेज एक्चुअली अगर आप सुपरफिशियली जस्ट कोई मीनिंग रट के जा रहे हो तो दैट इज डेंजरस और थोड़ा समय लगता है बस इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश करी है कि आज वाले क्वेश्चन में आपके बस नहीं क्योंकि इजी वर्ड्स हैं आई थिंक चार पांच ही शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे हो लेकिन अब जो अगली शीट होगी उसमें हम सेंटेंसेस में यूसेज देखेंगे थोड़ा अलग तरीके से होगा आप जरूर अगर बना पाए तो बड़ी अच्छी बात है कॉमेंट सेक्शन में बनाना एन मास मीन वॉट एन मास एन मास जैसे आप जब कहीं यात्रा पर निकलते हैं तो क्या होता है एन रूट एन रूट टू आगरा तो एनमैस का मतलब जब भारी संख्या में एक ग्रुप के तौर पे कोई बाहर निकलता है जैसे आपने एक्जोडस वर्ड अभी खूब सुना होगा कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी जिसको हम मास एक्जोडस बोलते हैं एक्जोडस का मतलब ही हो जाता है कि जब भारी संख्या में कहीं से लोग बाहर निकलें एग्जिट करें जिस, जिसको पलायन आप कह रहे होते हो मास एक्सोडस तो मास का मतलब एक ग्रुप के तौर पर वन बाई वन अच्छा एक दो हमें मुझे फॉरेन एक्सप्रेशन याद आ रहे हैं अभी बैंकिंग स्पेशल बैचेस में भी कर रहे थे हम वन ऑन वन के लिए दो शब्द हैं हमारे पास फॉरेन एक्सप्रेशन में एक है मनो व मनो एंड एक है आपके पास टेटे या टेट कौन बताएगा मुझे व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशन भाई देखो कुछ भी पूछ सकते फॉरन एक्सप्रेशन भी पूछ सकते हैं इन तरह के क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों का मतलब वन ऑन वन होता है वन टू वन 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 अलग होता है टू वन वन ऑन अलग हो गया तो वन ऑन वन के सेंस में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं बट कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है मनो व मनो की बात आप तब करते हो जब वन ऑन वन कोई कॉन्फ्रेंटेशन है कॉन्फ्लिक्ट है जैसे होता है ना मैं तुम्हें देख लूंगा तो जब आमने सामने दो लोगों के बीच में एक टक्कर है टसल है एक कॉन्फ्रेंटेशन का माहौल है वन ऑन वन तो वहां पे हम मनो व मनो का इस्तेमाल देखते हैं और ये टेटे, टेटे इज वॉट टेट होता है जब वन ऑन वन डिस्कशन होता है लाइक देर वॉज अ प्रोग्राम अभी भी है शायद सीधी बात करके आया करता था कहाँ पे आज तक पे प्रभु चावला साहब के साथ तो सीनियर जर्नलिस्ट तो वो सीधी बात यानी एंकर और सामने गेस्ट या विद सिमी ग्रेवाल शो जो आता था जो टॉक शोज है आपके जहाँ सामने एक एंकर बैठा है और दूसरे सामने गेस्ट बैठा तो जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है तो उसे टेटे या टेट कहते हैं राइट सो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं ठीक है चलो इफ यू कीप एन आई आउट इट मीन्स वॉट यू आर वॉचिंग केयरफुल यू आर इन चार्ज यू डोंट पे अटेंशन एवरीवेयर कीप एन आई आउट आई थिंक इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू आर कीपिंग एन आई ऑन एनी थिंग मीन्स वॉट यू आर वॉचिंग केयरफुली तो आसान है समय खराब नहीं करेंगे टूट लाइक अ हॉर्स मीन्स वॉट टू ईट नॉइजली टू ईट अ लिटिल टू ईट अलॉट डाइसक्विकली ईट लाइक अ हॉर्स करेक्ट ऑप्शन ये ऑल्टरकेशन टू ईट अलॉट यह होता है टू ईट लाइक अ हॉर्स अच्छा अगर कोई चीज हॉर्स से रिलेटेड है हॉर्स लाइक -like है तो कौन सा वर्ड आता है कौन बताएगा वी हैव लॉट ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद आई एन ई लाइक इफ समथिंग इज काउ लाइक द वर्ड इज वॉट बोवीन यू डू नो बोवीन इज काउ लाइक कैन इन इज वॉट दैट इज डॉग लाइक यस आर नो वल इज वॉट वल्पीन इज फॉक्स लाइक लूपिन इज लूपिन इज लाइक सो वी हैव लॉट ऑफ वर्ड्स लाइक दिस वट इज वन वर्ड फॉर समथिंग दैट इज हॉर्स लाइक इट्स अ क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो एंडिंग विद आई एन ई वो भी आई एन ई से एंड होता है बताओ मुझे कौन सा शब्द है वो कौन बताएगा ये शायद क्लासेस में बताया हुआ है आई थिंक यूट्यूब के ऊपर भी ये शब्द है वेरी गुड सपना बहुत अच्छी बात आपको याद है इक्वीन यस वेरी गुड इक्वीन घोड़े जैसा और एक और रूट वर्ड आता है हमारे पास दैट इज घोड़े के लिए क्या है वो टू एग ऑन मीन्स वॉट टू ईट टू एनकरेज टू अ टू गो फास्टर ईट ऑन टू एग ऑन सोफ यू आर एगिंग ऑन To eat enough, to encourage, to annoy, or to go faster. Egon means to encourage someone, right? And to ease up. This is the last question for the day. What is the meaning of to ease up? If you are easing up something, what are you doing? If you are easing up the atmosphere, if you are easing up a person, what are you doing?

आसानी है अभी भी, भी बिल्कुल मॉडरेट सा क्वेश्चन सो द करेक्ट आंसर इज इफ यू आर ट्राइंग टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस मीन्स वॉट यू आर ट्राइंग टू मेक दैट पॉइंट अंडरस्टैंड टू द अदर पार्टी टू द अदर पर्सन सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज टू मेक अंडरस्टैंड, राइट टू मेक अंडरस्टैंड इज द करेक्ट ऑप्शन मोहनीस ए करेक्ट नहीं है शर्मन रंजीत इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है इट्स अलोकेशन रिमेंबर इट किसी चीज पे जोर डालना आइए नेक्स्ट वन इज अशोक फ्रेंड्स आप किनको बोल सकते हो जब मौसम अच्छा है तो आपके साथ हैं यानी इसको हम कहते हैं ना थ्रू थिक एंड थेन तो थिक में तो वो साथ होंगे अच्छे समय में साथ होंगे और बुरे मौके पे आपको छोड़ के चले जाएंगे

स्वीट्स की बात आप करते हैं यहां पे जो आपको डिफिकल्टी में छोड़ के चले जाए नेक्स्ट वन सिंस द कंपनी हैज लॉस्ट अ गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी यू विल हैव टू मेक गुड द लॉस सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू मेक गुड द लॉस आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इवन जस्ट आफ्टर रीडिंग रीडिंग द सेंटेंस यू कैन गेट द कॉन्टेक्स्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा मेक अ गुड एफर्ट ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस कॉम्पनसेट फॉर द लॉस एंड फॉर द लॉस एंड एनश्योर दैट देर आर नो फोर्थ लॉसेज वॉट डू यू थिंक गुड इवनिंग रोहित टू मेक गुड द लॉस मीन्स वॉट टू मेक गुड द लॉस इज टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस यानी जो नुकसान हुआ है आप उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट द सेंस कॉम्पनसेट फॉर द लॉस सो सिंस द कंपनी है गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी कंपनी ने जो है वो काफी समय और पैसा रिसोर्सेज उन्होंने बर्बाद कर लिया है इसलिए आपको उन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा कॉन्सम कॉम्पनसेट uh, करना पड़ेगा मिनिमाइज करने का कहां से मतलब है मिनिमाइज तो तब है जब वो प्रोसेस में है जो होना था वो हो चुका है तो इसका मतलब लॉस की आपको भरपाई करनी पड़ेगी राइट सो द कॉम्पनसेट फॉर द लॉस इज द करेक्ट चॉइस द पोजिशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन बोन ऑफ कंटेंशन वेरी बेसिक कीटिक एक्सप्रेशन एंड यू डू नो क्या मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन का सपना क्लियर हो गया आपको डाउट आपने पूछा वाई नॉट बी दैट वॉज प्रेटी क्लोज एक्चुअली येस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बहुत आसान है यानी कोई एक हड्डी है वही वाली बात की एक हड्डी और दो कुत्ते हैं दोनों अपने अपने को अपनी अपनी तरफ उस हड्डी को खींचना चाहते हैं तो दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन राइट अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट जब कोई एक विवाद की जड़ हो जो मेन मुद्दा है इवन कंटेंशन जो शब्द है इसका इस्तेमाल हम आर्ग्यूमेंट के लिए भी करते हैं दैट दिस इज माई कंटेंशन इफ देर इज अ सेटअप ऑफ ग्रुप डिस्कशन जहां पे चार लोग बैठ करके पांच लोग किसी टॉक शो में भी आप देख सकते हैं तो जब एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग पर्सपेक्टिव लोग रखते हैं तो वहां पे भी ये यूज होता है कि दिस इज माय कंटेंशन यानी दिस इज माय आर्गुमेंट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक नेक्स्ट वन इज हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज बीन अ सोर पॉइंट विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम गुड इवनिंग अंकित हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज बीन अ सोर पॉइंट विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम सो वॉट विल भी दैट सोर पॉइंट समथिंग विच हर्ट समथिंग दैट ब्रिंग्स फेयर टू समथिंग मेमरेबल फॉर एंड समथिंग प्लेजरेबल टू अगर मैं आपको कहूँ कि अप्रोच ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करो तो कौन से दो ऑप्शन आप तुरंत एलिमिनेट कर लेंगे भाई अगर फेलियर मिला है किसी को और वो भी चुनाव में है नेताजी हैं और उनको असफलता हाथ लगी है तो डेफिनेटली वो इनके लिए मेमरेबल और प्लेजरेबल तो है नहीं सो यू कैन ईजिली एलिमिनेट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नाउ इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ फेयर पर से बट ये हर्ट करेगा ना तो समथिंग विच हर्ट्स इट्स अ सोर पॉइंट विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम जो चीज आपको दर्द दे लंबे समय तक नेक्स्ट वन टू एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मींस यस वॉट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ थिन एयर अपियर सडनली डिसेंड ग्रेजुअली पॉल डाउन क्विकली एंड एंटर फ्रॉम स्पेस आप आंसर करिए तब तो तक मैं थोड़ी वोकैब की गणित यहां पे एक शब्द आ गया तो आपको बता देता हूं ये देखें आप असेंड का मतलब क्या होता है ऊपर जाना और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है डिसेंड राइट right? उसी तरीके से आपके पास शब्द आता है असेंट एंड व्हाट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट दैट इज डिसेंट राइट तो ये वो की गणित भी है और आप इसको असेंट भी कर सकते हो डिसेंट असेंट ये वर्ब हो गया नाउन के तौर पे सो so, यहां आपको क्या नजर आ रहा है इधर एस सी है तो इधर भी एस और सी आया हुआ है इधर डबल एस है तो यहां भी डबल एस है सो असेंट इज वॉट दैट इज द ऑफिशियल अग्रीमेंट ऑफिशियल अग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड असेंट एंड वॉट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट दैट इज डिसेंट यानी डिस अग्रीमेंट एवरी वन इज एन टू हैव डिसेंटिंग ओपिनियन जैसे कि हम ये यूज करते हैं तो वो असहमति हो गई और एसेंड ऊपर जाना हो गया डिसेंड नीचे जाना हो गया उस पार जाने के लिए कौन सा शब्द होता है दैट इज ट्रांसेंड ट्रांसेंड ट्रांस मीन बियॉन्ड एक्चुअली एनी वे सो आउट ऑफ थिन एयर अगर कोई इमर्ज हो रहा है मतलब अपियर सडनली अचानक प्रकट हो जाना जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है सो so उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते हैं आउट ऑफ थिन एयर ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स a woman दैट द मोमेंट शी सीज हर husband टॉकिंग टू another pretty वुमन क्या बात है तो जो पत्नी हैं, उन्होंने पतिदेव को एक सुंदर महिला के साथ वार्तालाप करते देखा तो पत्नी जी ग्रीन आइड मॉन्स्टर लिखा हुआ स्ट्राइक्स a woman तो वो ग्रीन आइड मॉन्स्टर किसकी तरफ इशारा कर रहा है एंगर hatred एनवी और जेलसी what डू यू थिंक बैंकिंग एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं आदित्य पूछ रहे हैं आदित्य अंग्रेजी का पेपर तो अंग्रेजी में आता है भाई इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा बट क्वांट एंड रीजनिंग वहाँ पे आपको हिंदी ट्रांसलेशंस भी क्वेश्चन के मिलते हैं बट बेहतर है कि हम अंग्रेजी की आदत डालें बिकॉज जो फर्दर स्टेजेस हैं आपके जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको करनी है सेकेंड स्टेज में एंड देन यू हैव जी एंड पी फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ द सेलेक्शन प्रोसेस इन एस बी सो so, अंग्रेजी से जितना प्यार आप बढ़ाओगे उसकी आदत डालोगे पढ़ने सुनने देखने की उतना आपके लिए बेहतर होगा आप बैंकिंग जॉब्स में अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे ठीक है तो पेपर तो हिंदी में आता है बट अंग्रेजी में आपको कमांड करनी है चलिए जी तो रोहित कह रहे सर गुस्सा आएगा मतलब वाइफ ने देखा कि क्या बात है किसी और सुंदर कन्या के साथ उनका वार्तालाप चल रहा है बट चलो वो तो आपकी फीलिंग है बट यहाँ पे जो हमारे पास ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन है Uh, उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है ग्रीन आइड मॉन्स्टर का क्या मतलब होता है ग्रीन आइड का मतलब जेलसी राइट जेलसी परसोनिफाइड वो है ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्योंकि मॉन्स्टर बना दिया ना तो यानी इस इमोशन को आपने परसोनिफाई कर दिया एक पर्सन का रूप दे दिया तो उसके अंदर जेलसी का भाव जो है वो उत्पन्न हुआ कि मेरे होते हुए किसी प्रति वुमन के साथ ऐसे ये बात कैसे कर सकते हैं अभी में नहीं आ रहा, तो ये homework है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं जेलस होना और एनवीएस होने में क्या फर्क है बड़े प्यारे शब्द हैं एंगर के लिए और कौन सा शब्द ध्यान में आ रहा है एक वर्ड आता है रैथ डब्ल्यू आर ए टी एच और इसके साथ और आपको बता दूं W R E A T H एंड W R E A T H E कौन बताएगा इन बाकी के दो शब्दों का मतलब रैथ होता है बहुत गुस्सा जब आपको बहुत फ्यूरियस हो वो तीसरी आंख खुल जाने वाली शंकर भगवान की सो दैट इज द रैथ एंड व्हाट इज रैथ एंड रैथ कौन बता रहा है रेड आइट बताया होता तो एंगर होता शर्मन कह रहे हैं बिल्कुल <laughs> बताओ रेथ और रेथ में क्या फर्क है भाई ये रेथ आपका नाउन है और ये रेथ वॉब है जवानों की शहादत के बाद रेथ लेइंग सेरेमनी होती है तो जब आप किसी को शहादत के बाद श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो आपने देखा होगा दट इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लार वो वहां पे श्रद्धांजलि के रूप में चढ़ाया जाता है तो उसको आप रेथ कहते हो डब्ल्यू आर ई एच वो रेथ है और जब एक्स्ट्रा ई -E लग गया वहां पे, तो वो बन गया व वॉब के तौर पे इसका क्या मतलब हो सकता है बताओ मुझे वॉट कुड बी पॉसिबल मीनिंग ऑफ रेथ जब मैंने आपको बताया कि रेथ जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लार है तो सर्कल किसी चीज को करने के लिए ये वॉब के तौर पे यूज हो जाता है टू सर्कल समथिंग टू सर्कल समथिंग किसी चीज को अगर आप घेर रहे तो क्योंकि वो तो फूलों का इस तरह से अरेंजमेंट होता है ना फूल सजे होते हैं और आप जाकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो देखिए शब्दों को जो वोकैब की बार बार बात होती है कि शब्द याद नहीं रहते आज जो बै, आपका नया बैच है बैंकिंग अचीवर्स बैच थर्टीन तो आज वो कैब का कुछ बेसिक्स की हम चर्चा कर रहे थे और स्टूडेंट्स की दिक्कतें वो कैब को लेकर के तो वहां भी मैंने यही बात की कि जो आपकी ये आदत है कि रोज दस वर्ड लिखूंगा मैं या रोज द हिंदू के दस शब्द की मीनिंग कहीं से पी उठा लिया इंटरनेट पे इतने रिसोर्सेज पे पढ़ा रहता है वो आपको कोई भी फायदा नहीं देता इन जनरल आप शायद अखबार पढ़ें तो उन शब्दों का बेहतर मतलब आपको समझ आए बट आपको लगता है कि नहीं द हिंदू की वोकैबलरी रट लो तो उसका फायदा हो जाएगा उसका कोई फायदा है, सच नहीं है बिकॉज आप उन वर्ड्स को आइसोलेटेड मैनर में देख रहे हैं यू आर नॉट लुकिंग एट दोज वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ और द आर्टिकल वेयर दे हैव बीन है तो हमें यूसेज की समझ कहां से डेवलप होगी और आपको पता है कि इन एनी ऑफ दीज कॉम्पिटेटिव इन हिंदी और इंग्लिश फॉर दैट मैटर कोई आपसे ये नहीं कहता कि इन शब्दों का मतलब लिखे बट वो जो टेस्ट करते हैं वो उस शब्द उस पर्टिकुलर वर्ड के यूसेज की समझ को टेस्ट करते हैं चाहे वो आपके फिलर के क्वेश्चन हैं क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन की बात है हाउ विल यू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ पैराग्राफर यू आर नॉट अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड तो कहां से अंग्रेजी की कॉम्प्रिहेंशन आएगी जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं समझ में कहां से आएगा वो कैब एक बैरियर का रोल करता है आप देखो जैसे ये वाला अप्रोच है अगर इससे आप वो कैब को लर्न कर रहे हो तो शब्द आपको ध्यान में रहेंगे और इन्हीं को हम क्या कहते हैं दिस कैटेगरी इज कॉल्ड होमोफोन्स और इसीलिए मैं बार बार बात करता हूं कि आप ग्रुप्स में वर्ड को अगर सीख रहे हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे बिकॉज ह्यूमन माइंड कांट रिमेंबर एनी इन एन एब्सोल्यूट मैनर वी कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर डिफरेंसेज काला है तो सफ़ेद समझ आता है रात है दिन है अच्छा है बुरा है हमें आपसेल्यूट समझ नहीं आता डिफरेंसेस समझ आते हैं तो दिमाग को कोई ना कोई इस तरह का आपको टूल देना पड़ता है जिसके सहारे वो याद रख सके तो अब जैसे ये तीन वर्ड थे अगर हम इनको रैंडम तरीके से लिखते तो हमें भूल जाते लेकिन मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया मुझे यहाँ एंगर नजर आया मैं कहा चलो चर्चा कर लेते रेत और रेत आया तो रेथ भी आ गया और आपको ये भी पता लग गया कि एक लेटर के ऐड करने से कितना चेंज आ जाता है ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूरी तरीके से बदल गई तो ये रे, र, जो थे ये हो गया एन सर्कल करना या माल्यार्पण करने के लिए भी वॉब के तौर पर यूज हो सकता है जबकि ये आपको पता लग गया कि भाई वो जो सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लार है उसे हम रेथ कहेंगे सो विद दिस यू कैन रिमेंबर द स्पेलिंग द यूसेज द कॉन्टेक्सट एवरीथिंग तो हमेशा वो कैब को कुछ कनेक्शन के साथ एसोसिएशन के साथ दिमाग में रखने की कोशिश करें चलिए जी आगे बढ़ते हैं ही एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल अब ये एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास टू बी ऑलवेज एट बैक एंड कॉल वंस भी मिल सकता है once का मतलब क्या हो गया ओ एन ई एनी एस ये जनरल इस्तेमाल हो जाता है अब इस वंश का मतलब पजेसिव और पजेसिव का मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो हिज हर योर देयर व्हाट्स ओ एवर तो जैसे यहां पे बात हो रही है ही एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट His बैक एंड कॉल तो भाई ही डेफिनेटली सीनियर है तभी तो वो अपने सब से चाहेगा क्या चाहेगा बता दो हाँ जी करेक्ट ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन जाहिर तौर पे सीनियर ये नहीं चाहेगा कि जूनियर रेस्ट करे जूनियर एंजॉय करे जूनियर बैठा रहे ये तो नहीं चाहेगा ना सीनियर <laughs> वो क्या चाहेगा कि उसके सबॉर्डिनेट्स हमेशा काम के लिए तैयार रहें तो एलिमिनेशन अप्लाई करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कॉमन सेंस ठीक है वेरी गुड सपना नेक्स्ट वन द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रिक हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर क्या मतलब हुआ इसका एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है जैसे नेताजी लोग चुनाव जीतने के बाद पार्टियां बदल लेते जब उन्हें लग रहा होता है कि नहीं मेरे बहुत बेहतर फ्यूचर नहीं है शायद इस पार्टी के अंदर तो वो दल बदल लेते हैं तो उसी की बात यहाँ पे हो रही कि अगर इस तरह का कानून पास हो जाए कि आप इस तरह से दल बदल नहीं कर सकते तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर हैं जो अवसरवादी नेता लोग हैं लेजिस्लेटर का मतलब देखो यहाँ पे भी रूट वर्ड लेग है और लेग का मतलब लॉ होता है इतने सारे शब्द आपको मिलते हैं लीगल इलीगल लेजिटमेट

स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट द करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल जी अगेंस्ट दल बदली दल बदल करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रक अ चिल टू दार्ट किसी के दिल दिमाग में फियर डालना डर डालना इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं और शब्द और क्या आता है डर के लिए रूटवर्ड होता है टिम इन टिमिडेट आपने सुना होगा अगर आप किसी को इंटिमिडेट करते हैं यानी आप उसको डराते हैं और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे टिम जो है वो रूट वर्ड है इसका मतलब फियर होता है और जो बचपन से आप कायर के लिए पढ़ रहे हो टिमिड इस शब्द का भी जन्म इसी टिम से हुआ है और इनका मतलब अंदर तो इंटिमिडेट यानी किसी के अंदर आप डर डाल रहे हैं वो वर्ब है और टिमिड कायर हो गया ही हैज अ बोन टू पिक विध हिस कजन रीजनेबल अग्रीमेंट कॉज ऑफ क्वेरल कॉज ऑफ डाउट एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ही हैज अ बोन टू पिक विद हिज कजन का मतलब क्या है कि इज अ कॉज ऑफ क्वेरल कुछ लड़ाई है उसकी अपने कजन के साथ राइट सो द सेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट वन इज आई थिंक बहुत आसान है आपने कई बार एग्जाम्स में देखा होगा दोबारा देख लीजिए नहीं पता है तो जान जाएंगे पता है तो करेक्ट आंसर करें द एफ टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गू चेज क्या कंपेटेटिवी शर्मन बता रहे हैं। okay. तो भाई फ्यूटाइल सर्च होता है वाइल्ड गु चेज का क्या मतलब कि आप चेज कर रहे थे पीछा कर रहे थे लेकिन उसका कोई आपको उस काम में आपको सफलता नहीं मिली निष्फलता हाथ लगी

एम ई ए सी यू एल पी ए वेन सम वन इज एक्सेप्टिंग हिज आर हर गिल्ट आई एम गिल्टी दैट इज कॉल्ड मिकल्पा आगे बढ़िए द स्टोरी डज नॉट होल्ड वॉटर जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना में कोई दम नहीं है इस स्टोरी में कोई दम नहीं है द स्टोरी डज नॉट होल्ड वॉटर डज नॉट डिजर्व अप्रीशिएशन डज इन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स के नॉट बी बिलीव इन के नॉट बी वैल्यूड वॉट डू यू थिंक तो भाई अगर किसी चीज में दम नहीं है इसका मतलब आपको उस बात पे भरोसा नहीं हो सकता तुम्हारी बात में कोई वजन नहीं है तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा राइट योर स्टोरी डजेंट होल्ड वाटर सो कैनॉट बी बिलीव दैट द क्लोजेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ मीनिंग ये यहां पे सेंस है आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे राज कुडंट पे द बिल सो ही कफ यस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीजियोटिक एक्सप्रेशन ऑन द कफ क्या लगता है कॉमन सेंस लगाना अगर राज बिल पे नहीं कर पाया तो वो ऑनर से क्या बोलेगा है जैसे कॉलेज के दिनों में कैंटीन में क्या चला करता था वो महीने भर का खाता चलता था ना कि नहीं उसमें नोट कर लो दो समोसे राइट तो या लोगों की किराने की दुकान पे जैसे वो चलता रहता है साइकिल कि महीने के बाद हिसाब होगा तो वही बात यहाँ पे है कि अगर वो बिल पे नहीं कर पाएगा तो ओनर को क्या बोलेगा कि भैया लिख लो लिख लो क्रेडिट में <laughs> तो वही है ऑन क्रेडिट ये मतलब होता है ऑन द कफ का डेफिनेटली यहाँ कोई क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट या फ्रेंड के अकाउंट का कोई रेफरेंस नहीं है सो ऑन क्रेडिट ये मतलब होता है क्रेडिट में वर्ड क्या है what's the root word in credit that is cred cred का मतलब ट्रस्ट होता है कि मैं पैसे दे दूंगा कोई बात नहीं लिख लो क्रेडिट क्रेडेंशियल क्रेडिबल इनक्रेडिबल क्रेजुलस बहुत सारे शब्द आते हैं ही स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाय आई थिंक ये तो देखते ही हो जाएगा टोटली totally. ये सबको पता है यहां बिल्कुल समय खर्च नहीं करेंगे हम हां जी ये भी बहुत आसान है आप आंसर कर सकते हैं द लग्जरी कार दैट दे बॉट दर्न आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट वो लग्जरी कार जो वो खरीद के ले आए वो क्या निकली एक व्हाइट एलिफेंट निकली अ रेयर आर्टिकल यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्टली आर ट्रबल सम समन और अ प्राउड पोजेशन वॉट डू यू थिंक भाई व्हाइट एलिफेंट किसे कहोगे कॉस्टली आर ट्रबल सम कहते नहीं तुमने हाथी पाल रखी है हैं तो या जैसे कहते हैं कि हाथी पाल रखी तो खिलाना भी पड़ेगा अब बहुत भारी गाड़ी रख रखी है बहुत भारी इंजन वाली तो भाई वो डीजल पेट्रोल खाएगी खाएगी एनी anyway, तो यहां पे वही मतलब है कि जो चीज कॉस्टली और आपको दर्द देने वाली हो वाइट एलिफेंट सफेद हाथी इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन यूर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर आई थिंक अगेन वेरी इजी टू आंसर So, what is the meaning of fair and square over here? Active, honest, business like, or authoritative. There is a question for you. And if you have been my student ever and you did a close test, I think you not know. it. What is the difference between authoritative and authoritarian? That is the homework for you. And the meaning of fair and square is what? That is honest, right? Fair deal. और इसी को हम वो में कहते हैं होमोनीम जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि वॉट आर द डिफरेंट यूसेज यू आर अवेयर ऑफ ऑफ द वर्ड फेयर फेयर के कितने तरह के प्रयोगों का आपको पता है बताएंगे प्लीज फेयर का क्या मतलब हो सकता है आप जैसे अभी कहो कि भाई फेयर डील है यानी ईमानदारी के साथ डील हुई है अगर किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है इसका मतलब उसका रंग साफ है हैं अगर कहीं पे बुक फेयर लगी हुई है तो किताबों का मेला लगा हुआ है ठीक है, सही है ये मोनिस ऐप की बात कर रहे हैं और होपफुली ये जो क्लासेस है ना नेक्स्ट वीक से हमारे ऐप पे भी करियर वेल ऐप के ऊपर जो फ्री वाला सेक्शन था बैंकिंग के लिए वहां पे भी लाइव होंगे, ठीक है यूट्यूब के साथ साथ वहां भी लाइव होंगे कि जो हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हैं वो भी उनको देख सकें कई बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ पाते वो कहते हैं तो कौन फिर वहां जाए ऐप के साथ तो आप दिन भर जुड़े रहते हैं तो वहां पे ऐप पे भी क्लासेस आपको मिलेंगी आ, आहार फेयर इन न्यू डेली हाँ जी और क्या होता है अच्छा जो किराए वाला फेयर होता है उसकी अंग्रेजी स्पेलिंग क्या होती है एफ ए आर ई -e? भैया फेयर कितना है यही होता है अब ये दोनों वर्ड किस कैटेगरी में आ जाएंगे ये दोनों वर्ड को अगर अलग अलग बात करो अगर अलग अलग बात करोगे तो ये होमोफोन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे ठीक है ना फेयर किराया जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो जो किराया देते हैं उसको फेयर कहते हैं और इस फेयर के देखिए आप अलग अलग तरह के यूसेज हैं खैर देर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड स्टॉप लविंग नॉट ऑन गुड टर्म्स फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग देर इज नो लव लॉस्ट Between any two neighboring countries in the world. So, what is the meaning of this? जब भी आप ये इस्तेमाल करते हैं ये एक्सप्रेशन देर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन टू कंट्रीज टू ग्रुप्स, टू पीपल इसका क्या मतलब होता है कि भाई वो एक दूसरे को फूटियाक नहीं सुहाते हैं दे डोंट लाइक ईच अदर एट ऑल सो नॉट ऑन गुड टर्म्स इज द करेक्ट चॉइस द हैवी डाउन पोर प्लेड द कोस्टल एरिया द हैवी डाउन पोर इज वॉट भारी बारिश तो प्लेड हैवॉक वॉक इज कॉज डिस्ट्रक्शन कॉज डिजीजेस कॉज फ्लड कॉज हार्डशिप दैट इज कॉज डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से सब कुछ उठापटक हो जाना बिल्डिंग्स पेड़ पौधे राइट हैवी डाउन बोर्ड टू हैव अ ग्रीन थंब अगेन दिस दिस इज फ्रीक्वेंसी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो देखने को मिलता है ग्रीन थम्प का क्या मतलब होता है भाई जिसका गार्डेनिंग में इंटरेस्ट हो खेती किसानी में इंटरेस्ट हो उसमें बेहतर हो एक नेचुरल इंटरेस्ट हो इंक्लिनेशन हो सो टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग इज कॉल्ड ग्रीन थंब राइट आर्टिस्टिक वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टिक एंड आर्टफुल होमवर्क है आपके लिए और होमवर्क का जवाब कमेंट सेक्शन में दिया करो एक और काम देता हूं क्योंकि जो देता हूं वो कहीं ना कहीं आपको यहां पे फायदा जरूर कर जाएगा किसी न किसी एग्जाम में पेपर में इस बात का ध्यान रखें आप अगर आप नहीं सोच पाए तो कम से कम इसके बाद सोचा करें ये भी आपको वर्ड देता हूं मैं तीनों के तीनों शब्द आर्ट से जुड़े हुए हैं बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्ट आर्टिस्ट विद एक्स्ट्रा ई एंड देन द वर्ड इज आर्टिसन आर्टिस्टिक एंड आर्टफुल बोथ द वर्ड्स आर ग्रामेटिकली एडजेक्टिव बट वॉट द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ यूसेज फाइंड दैट आउट एंड डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन इन टर्म्स ऑफ यूसेसेंटेंस बनाओ इनसे एंड द लास्ट वन इज प्रेटी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक आपके लिए नया भी होन सोइंग रीब्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ है तो जैसा बोोगे वैसा काटोगे टाइप दिख रहा है आपको ये ही वेंट ऑन सोइंगट्स द मीनिंग ऑफ दिस सोइंग ट्रेबल्स एज अ बॉय

जैसे हमने एक वर्ड किया था दैट वॉज फिलैंड इसका टिंज एक्चुअली सेक्शुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है लाइक जिसको हम कहते हैं ना अनरिस्ट्रेन सेक्शुअल बिहेवियर यू हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप विद मल्टीपल वन वो वाला इशारा कर रहा है और हमने वो वर्ड किया था फिलेंडर अगर आपको याद हो रहा हो याद आ रहा हो सो फिलैंडर इज वर्ब राइट सम Uh, many casual sexual relationship with multiple women uh, what you are doing will be called you are doing philandering actually and the person will be called philanderer so if in your if in your young age you are like this your uh, behavior is absolutely irresponsible and uncontrolled and you are involved just in indulgent activities for the uh, sake of pleasure तो ऐसे के लिए हम एडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं सोइंग वाइल्ड ओट्स तो जब जवानी में अपनी एनर्जी को आप तबाह करेंगे तो फिर बुढ़ापे में दर्द तो आएगा ही जवानी भी एक एनर्जी है और हर एनर्जी को हम सही तरीके से चैनलाइज भी कर सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं तो उसी एटॉमिक एनर्जी से एनर्जी भी पैदा होती है और इतनी बिजली मिलती है और ऊर्जा मिलती है उसी से एटॉमिक बॉम्ब भी बनता है तो वही वाली बात है हम इंसानों की भी अपनी ऊर्जा है हम जैसे चाहें उसको चैनलाइज कर सकते हैं भरपूर है अबंडेंस में है तो वो बर्बाद भी हो सकती है अगर सही तरीके से जर्नलाइज ना उसी बर्बादी की तरफ इशारा कर रहा है अगर जवानी में बर्बादी करोगे अपनी ऊर्जा की तो बुढ़ापे में बाद में उसकी फसल तो काटनी पड़ेगी सो दैट्स ऑल फॉर इज एब्सोल्युटली रोहित वेरी गुड लसीवियस बिहेवियर बहुत अच्छा शब्द बताया लसीवियस और कौन सा शब्द याद आ रहा है के लिए लसीवियस बहुत अच्छे अजीत पूछ रहे हैं सर ईडी और का कोई लिमिट तो नहीं है सेलेक्टेड क्वेश्चन से कैसे बेहतर होगा बिल्कुल आप बिल्कुल जायज सवाल पूछ रहे हैं और मैं बार बार यही बात क्लासेस में भी कहता हूँ कि इफ़ वी टॉक अबाउट ईडियम्स एंड फ्रेजेज और फ्रेजल वर्फ फॉर दैट मैटर फिक्स प्रपोजिशन इनकी संख्या हज़ारों में है राइट और क्लासेस में हमारे पास लिमिटेशन है मैं शायद आपको 100 क्वेश्चंस करा लूं 200 करा लूं उससे ऊपर तो क्या ही कराऊंगा मैं तो बेहतर तरीका यही है जैसे हम क्लास में कर रहे हैं यहां पे भी आप सेशंस में भी देख रहे हो कि फोकस इज ऑन यूसेस पार्ट आप जितना उनके यूसेस को सीखोगे सेंटेंसेस में देखोगे उतना बेहतर होगा सो द सिंपल पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू पीपल इज इजन एवर यू आर डूइंग इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स ऑलवेज गो थ्रू दैट रिसोर्स वेयर एग्जाम्पल्स आर गिवेन हमेशा वहां से पढ़ें जहां पे एग्जाम्पल्स दिए हों कभी भी ऐसे किसी भी सोर्स से आप ना पढ़ो जहाँ पे idioms, phrases का phrasal verbs का meaning दे रखा है because one idiomatic expression may have more than one meaning. That is pretty possible. One phrasal verb may have multiple meanings and that depends on the uses, on context जहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं तो जैसे मैं अपने बैचेस के अंदर आपको वो लिस्ट देता हूँ एग्जास्टिव लिस्ट देता हूँ करियर विल ऐप पे जो आता है idioms, phrasal verbs की भी आपको लिस्ट मिलती बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैचेज में मैं पेयर्स वाले भी डिस्कस करता हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर और यहाँ पे कुछ सल... मैं क्या बोलता हूँ हाई फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है आप इस शब्द को भी इस फ्रेज को भी समझ लें इसका मतलब जो हमें एग्ज़ाम में थोड़ा देखने को मिलता है उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी बोलेंगे जाहिर तौर पे क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एग्जाम्स के अंदर तो एक सिंपल समझ होती है कि अगर ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया तो इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए तो बाकी तो अगर आपको बहुत प्यार आ रहा है कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज पार्ट और एरियम्स फ्रेजेस को मैं और बेहतर करना चाहता हूँ फ्रेजल वर्ब को बेहतर करना चाहता हूँ द बेस्ट रिसोर्स ऑक्सफर्ड डिक्शनरी उसकी भी डिक्शनरी आती है तो आप परचेज़ करें और पढ़ें और इन्जॉय करें बिकॉज इनके पीछे बड़ी सारी कहानियाँ हैं बहुत सारे अलग अलग देशों की जो कहानियाँ उनसे ये जुड़ा हुआ है तो या तो उनमें आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी पता लगेगा आपका और इंटरेस्ट डेवलप होगा सेंटेंस में यूसेज देखें आप तब जा करके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी महारत हो सकती है सो आनंद वॉट सी एच एस एल में एक घंटे में पेपर कैसे करें ये तो बैंकिंग का सेशन है आनंद कर सकते हैं आप मेरे चैनल पर आ जाइए उधर बहुत सारा ज्ञाने सी एच के लिए भी मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपो विथ सतेंद्र तिवारी पर वहां जाएंगे आप सी एच एस एल के पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं, वहां पर स्ट्रेटजी बताई हुई कोई भी पेपर अगर आप स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करोगे तो बिल्कुल हो सकता है मोहनीश्वर यूट्यूब पर ये होता है हाँ जी यूट्यूब पे ही है आप बिल्कुल ये सेशन यूट्यूब पे होते हैं आप करियर वेल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे ये देख